तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, देखिए सुखाना का संबंध लिखा है दोस्तों आर्द्रता, तो उसी प्रकार से धुंधला का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, हम आपको तरीका बता दें। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए आर्द्रता के अभाव से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आर्द्रता के अभाव से यानी कि वस्तु क्या होता है सूखता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने प्रकाश हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के अभाव से वस्तु कैसा दिखता है दोस्तों धुंधला दिखता है, तो इस जगह पर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, जिस प्रकार से देखिए आर्द्रता के अभाव से वस्तु क्या होता है सूखता है, उसी प्रकार से प्रकाश के अभाव से वस्तु कैसा दिखता है धुंधला दिखता है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, जो एजेंसियां कंडक्ट कर रही है बिल्कुल अलग अलग एजेंसियां इस तरीके के प्रश्न को रिपीट किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने एक सीरीज दिया गया है और कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात बताना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए कि आखिर कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर किया जाएगा, हम आपको तरीका बताते हैं देखिए यहाँ पर क्या हुआ और कैसे करेंगे। जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 700 क्या लिखा है 20 लिखा है, ध्यान से देखते चलिए, उसी प्रकार से फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 720, उसी प्रकार से यहां पर लिखा है दोस्तों 360, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 120, उसके बाद यहां पर लिखा है दोस्तों 30 और इस जगह पर लिखा है 6 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। पहले सीरीज को आपको देखना है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पर सीरीज हम लोगों का घटते गया है, तो 720 में ऐसा क्या करें जो 720 हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों भागा क्या कर देंगे 1 कर देंगे, उसी प्रकार से 720 में किसमें भागा यहाँ पर कितना कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, उसी प्रकार से 360 में क्या भागा करेंगे देखिए इस जगह पर यदि 3 कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा, उसी प्रकार से यहां पर कितना भागा करेंगे दोस्तों 4 कर देंगे, उसी प्रकार से इस जगह पर कितना भागा करेंगे दोस्तों 5 कर देंगे, तो यहां पर 5 हो जाएगा, उसी प्रकार से आगे क्या भागा करेंगे दोस्तों हम लोग 6 कर देंगे, तो जैसे ही 6 में 6 से भागा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 1 दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भर देंगे जो बन जाएगा, तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों गोला बनेगा, तो इसको गोला बना देंगे, उसके बाद हम लोगों का इसमें क्या आएगा तो तीर का निशान आएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तीर का निशान हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से और इस तरीके से होगा, तो देखिए कहाँ पर है इस तरीके का, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये देखिए उल्टा कर दिया ई नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही, और ई भी देखना है कि देखिए ई दोनों अपोजिट साइड में क्या है काला काला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है दोनों व्हाइट हो जाएगा और इस तरीके से अपोजिट, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध पूछा जा रहा है दोस्तों कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यानी कि इसका संबंध पूछा जा रहा है आपसे, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए करते हैं हम कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे तो यहाँ पर बी लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने सी है और क्या है दोस्तों डी है और अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है जी एफ और क्या लिखा है हम लोगों के सामने ई लिखा है और इस जगह पर समानुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एच आई और क्या लिखा है इस जगह पर जे लिखा और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि बी से यदि एफ में जाएंगे बी से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, इसमें 5 लेटर जोड़ना होगा, किसमें ए बी सी डी में, देखिए ना बी के बाद सी डी ई एफ जी, उसी प्रकार से ये देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एफ में तो कितना लेटर जोड़ना होगा,
देखते चलिए ध्यान से, आखिर सी के बाद एफ है तो सी के बाद क्या हो जाएगा, डी ई एफ। तो यहां पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने तीन जोड़ना होगा, ध्यान से देखते चलिए। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि जाएंगे दोस्तों ई पे, तो डी से यदि ई पे आ रहे हैं तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो डी के बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों ई होता है, तो यहां पर कितना जोड़ा है एक जोड़ा है। तो इस तरीके से पांच तीन एक जोड़ा है, तो वही काम आप यहां पर कर देंगे, यानी कि पांच तीन और एक जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ देते हैं देखिए, यहां पर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों पांच जोड़ देंगे, जैसे ही पांच जोड़ेंगे तो सबसे पहले पांच जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एम हो जाएगा। उसी प्रकार से आई में कितना जोड़ना होगा दोस्तों, देखिए अब कितना जोड़ना होगा तीन जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक इसमें जोड़ देंगे, तो जैसे ही एक जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो एम एल के ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, बस आपको तरीका समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है, हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ कि यानी कि 5+3 इस तरीके से चला है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। वो जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा, जल्दी से आपको ट्राई करना है कि आखिर वहां पर क्या आएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर हुआ और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, आखिर 7 और 4 और 9 को क्या करें जो 19 हो जाए, उसी प्रकार से 9, 3, 6 को क्या करें क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार से 8, 5, 12 क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भाग करेंगे क्या करेंगे जो कि आ जाए। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा। उसने क्या किया है दोस्तों, ईद की उसने क्या किया है कि 7 और यहाँ पर ईद की 7 गुना क्या कर दिया है दोस्तों 4 कर दिया है, अब बराबर का बराबर इधर क्या कर दिया दोस्तों 19 प्लस क्या कर दिया हम लोगों के सामने 9 कर दिया। तो देखिए 7 चौक 28 और 19 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। बस बारीकी से आपको समझना होगा तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो 9 और गुना क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोग सामने 3 कर लेंगे, तो 9 गुना 3 कर लिए, और इधर हम लोग बराबर का क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। तो ये देखिए 9 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, 27 बराबर का बराबर, तो इसमें क्या जोड़ेंगे जो कि 27 हो जाएगा। तो इस जगह क्वेश्चन मार्क देखिए ना, आप क्या रख देंगे जो कि 27 हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों 21 रख देंगे, आप प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 21 और 6 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों 21 भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिख रहा है 21, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। और उसी प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं, देखिए 8 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 बराबर का बराबर इधर कर देंगे दोस्तों हम लोग 28 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। तो देखिए जैसे 8 × 5 = 40, 28 × 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 40, तो देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप क्या कर देंगे दोस्तों, यानी ये दोनों संख्या आपका गुना किया है, ये दोनों संख्या गुना और ये दोनों संख्या क्या किया है दोस्तों जोड़ किया है, यानी ऊपर वाला जो दोनों संख्या ये दोनों संख्या गुना कर देंगे और इस जगह पे क्या करना है दोस्तों जोड़ करना है, दोनों संख्या को गुना कर देना है, दोनों संख्या को क्या कर देना है जोड़ कर देना है। देखिए बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब ही होता है कि 4 में से 3 समान 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों यही बात आपको बताना है, जैसे ई अलग है ई अलग है ई अलग, कौन सा अलग है देखिए। तो आप इसमें तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, देखिए ये आकृति हो गया, उसके बाद ये आकृति हो गया, ये आकृति मतलब क्या है एक जैसा है, लेकिन ये आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही, क्यों नीचे में आकृति देखिए यहाँ पर अगर सब आकृति को देखेंगे तो नीचे में कैसा दिख रहा है दोस्तों एक अलग ही दिख रहा है हम लोगों के सामने, और क्या किया है इसमें भी एक आधी कर दिया, इस तरीके से कर दिया है कि नीचे से हम लोगों का पता चला दोस्तों कि इस आकृति का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी ये आकृति इसमें से क्या हो जाएगा एक भिन्न हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग करके यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से क्या, और इसमें भी इसी तरह, इसी प्रकार से इसमें भी देखिए इधर से इधर करके यहाँ भी क्रॉसिंग, उसी प्रकार से इसमें भी इधर से करके क्रॉसिंग, लेकिन इसमें कितना सारा कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों सही होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 भिन्न हो जाएगा, चारों एक जैसा है, ये सभी फिगर एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 एक जैसा नहीं है, और नीचे में भी देखिए 2 आकृति अलग अलग कर दिया।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर चुका है, बस आप तरीका को समझिए कि आखिर कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर होगा। करें कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएंगे, तो कैसे करेंगे ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर। इसको मान लीजिए दोस्तों ई क्या हम लोगों के सामने पहला पासा, उसके बाद इसको मान लेंगे दूसरा पासा, इसको मान लेंगे दोस्तों तीसरा पासा, तो तीन पासा दिया है, तो किसी एक पासे को लेकर आप ऐसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, और ऑप्शन को भी नजर में रखकर करना होगा। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेंगे कैसे सर, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस तरीके से लेंगे दोस्तों कि ई दोनों पासा में अगर देखा जाए कि क्या कॉमन है, ई देखिए यहाँ से दो और चार हो गया, उसी प्रकार से इसमें भी दो और चार है, तो पांच के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों तीन हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या तो ये दो के विपरीत सतह पर, तो आखिर निकलेगा तो निकलेगा कैसे, ये देखिए इस तरीके से तो यहाँ पर निकल नहीं पाएगा, तो हम लोग कौन कौन पासा को लेंगे ध्यान दीजिएगा, अभी कैसे लेंगे देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग एक पासा और किसको ले रहे हैं दोस्तों दूसरा पासा को ले रहे हैं, एक पासा और दूसरा पासा, ई दोनों ई तीसरा पासा दूसरा से नहीं, एक और तीसरा, किसको किसको एक और तीसरा को लीजिए, तो जैसे ही एक और तीसरा को लेंगे दोस्तों ये देखिए यहाँ पर चार और पांच आ रहा है कॉमन, इसमें भी देखिए चार और पांच क्या आ रहा है दोस्तों कॉमन आ रहा है, तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों सही, ऑप्शन को ध्यान में रखकर करना होगा, नहीं तो फिर इसका आंसर कुछ और आएगा तो फिर कहेंगे कि दिख ही नहीं रहा है कि ये आ रहा है वो आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कमेंट करने लगते हैं लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आखिर ऑप्शन में कौन सा और कैसे करेंगे जो कि ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर निकल जाए। तो देखिए चार और पांच के विपरीत सतह पर चार पांच के वन निकल गया, तो यहाँ पर देखिए दो के विपरीत सतह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा, यहाँ से देखिए ना इसमें जैसे ही देखेंगे दो के विपरीत सतह पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों एक आ जाएगा, यानी दो के विपरीत पे क्या आ जाएगा दोस्तों एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, आखिर आईना में इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो आप जानते हैं कि दाया हाथ देखने पर बाया हाथ दिखता है और बाया हाथ देखने पर दाया हाथ दिखता है, यानी एक तरीके के पार्श्वर प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ई देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर आईना इस जगह लगा दिया, यानी कि यही हम लोगों का क्या है आईना है, यानी दर्पण लगा दिया है और कह रहा है इस फिगर को आप देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, तो देखिए हम लोगों का जैसा है दोस्तों इस तरीके का एक वर्ग है, तो इस तरीके से एक क्या बन जाएगा हम लोगों का वर्ग बन जाएगा, यानी कि वर्ग टाइप में थोड़ा सा बना है इस तरीके से, ये देखिए ना यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से किया है, और इसमें एक बार ऐसे कर दिया है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद देखिए जब इसको आईना में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से निकलेगा, यानी कि ये देखिए किस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से आएगा इस जगह से और इस जगह से इस तरीके से हो जाएगा, उसी प्रकार से इस जगह से इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों एगो हम लोगों का इधर से निकल जाएगा छोटा सा, और इस तरीके से आकर यहां पर इस तरीके से एक बन जाएगा, तो इस तरीके से और यहां पर इधर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई जो यहां से निकलेगा, और इस जगह पर क्या आ जाएगा एक मुखड़ा जैसा इस तरीके से गोल जैसा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों इस पर, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा से, क्यों, क्योंकि आईना में यानी मिरर में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने नवा नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि इसके लिए ये देखिए इसके लिए ई कोड लिखा है, तो उसी प्रकार से इसके लिए क्या कोड होगा आपको बताना है, तो आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, लेकिन आप जरूर ट्राई करेंगे जी उसके बाद ई सी और ए, तो इसको क्या लिखा है दोस्तों आठ लिखा है, छ लिखा है, उसके बाद हम लोगों का चार लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों दो लिखा है, तो उसी प्रकार से पूछा जा रहा है क्या, देखिए H उसके बाद लिखा है F, उसके बाद लिखा है B और क्या होता है दोस्तों D, तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ये बात बता दें, देखिए A B C D में आप इसको ये बात याद रखना होगा कि A का नंबर कितना होता है एक होता है, B का कितना होता है दो होता है, C का कितना होता है तीन होता है, और इसी प्रकार से Z का कितना होता है छब्बीस, आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक 26 लेटर होते हैं, A का एक, B का दो, C का तीन, D का चार, E का पांच, इस तरीके से, बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो चुका है,
कैसे, ई देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ई देखिए जी का स्थान कितना होता है दोस्तों ए बी सी डी में 7 होता है, लेकिन उसमें प्लस उसने क्या कर दिया 1 कर दिया। उसी प्रकार से ई का स्थान ए बी सी डी में कितना होता है 5 होता है, उसमें 1 क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया है। उसी प्रकार सी का स्थान देखिए ना ए बी सी डी में 3 होता है तो प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1। उसी प्रकार से ए का 1 होता है दोस्तों प्लस इसमें 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों एच का स्थान होता है हम लोगों का 8, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार से एफ का स्थान कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 6, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 और क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। उसी प्रकार से बी का स्थान 2 होता है प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, डी का स्थान 4 होता है प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 97, 35 ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को आपको समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मेढक कछुए हैं और कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं। इधर यहां पर कैसे कर रहा है दोस्तों कि सभी मेढक, तो यहां पर कर लेते हैं, इधर इस जगह पर बना लेते हैं कि सभी हम लोगों का क्या बोल रहा है मेढक, तो यहां पर कर लेते हैं सभी मेढक, तो सभी मेढक क्या है दोस्तों हम लोगों का कछुए है, तो यहां पर लिख लीजिए कि सभी मेढक क्या हो जाएंगे हम लोगों का कछुए, तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों कि सभी मेढक क्या है हम लोगों का कछुए है, तो इस तरीके से कर लीजिए सभी मेढक क्या हो गया कछुए, और कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, तो यहां पर लिख लीजिए दोस्तों ये देखिए मगर क्या हो जाएगा हम लोगों का मगरमच्छ, तो यहां पर कर लेते हैं कोई भी मगरमच्छ नहीं है, तो ऐसे इसका डायग्राम बना लीजिए और इसमें लगा दीजिए नहीं, क्योंकि इसी में बोला है कि नहीं है कोई भी कछुआ जो है हम लोगों का मगरमच्छ, जिसमें मगरमच्छ नहीं है तो मगरमच्छ में क्रॉस चिन्ह लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि मगरमच्छ नहीं है, इस तरीके से बस आपका आंसर निकल गया, आप सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी हम लोगों का मगरमच्छ मेढक नहीं है, तो कोई भी मगरमच्छ जो है मेढक नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी मगरमच्छ देखिए मेढक में गया है क्या, नहीं गया है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी मगरमच्छ जो मेढक नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि कोई भी मेढक जो है मगरमच्छ नहीं, तो ये भी बात सही हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दोनों लागू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। देखिए ना कोई भी यहाँ पर कोई भी मगरमच्छ मेढक, मेढक अगर मगरमच्छ में कोई रिलेशन नहीं तो कह रहा है नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि मेढक कोई भी मेढक मगरमच्छ नहीं, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से कोई भी मेढक मगरमच्छ नहीं, ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है तो कभी नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ध्यान से तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, यानी कि करके नहीं बनाया जा सकता है, तो जैसे हम लोगों के सामने देखिए एक्सपीरियंस लिखा है, तो एक्सपीरियंस लिखा है तो उसमें एक एक लेटर आपको चेक करना है कि कौन सा मिल रहा है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए जैसे पी आई सी ई, तो पी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, सी तो ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का ई एक्स, तो ई एक्स पी ई आर, हाँ तो पता चल चुका है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे टी का प्रयोग क्या है, किसका प्रयोग क्या है दोस्तों, टी का प्रयोग क्या है। देखिए टी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस में टी कहाँ नजर आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस में टी तो है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि टी का प्रयोग किया है, वहां सर टी कहीं नजर नहीं आया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा दोस्तों बताना है, यानी कि पहले आकृति का संबंध आप देखिए दूसरा आकृति का आखिर कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध इस तरीके से करना है कि आखिर कौन सा आ जाएगा, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, ये देखिए यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हम लोगों का जो फिगर है, यानी कि हम लोगों का घूम रहा है घड़ी की दिशा में, क्या हो रहा है दोस्तों ई फिगर, ई देखिए ई जो फिगर था ई कहाँ चला गया दोस्तों, ई खाली जगह पे, ई देखिए ई फिगर अब की बार यहाँ पर आ गया, यानी कि पहले कहाँ था यहाँ से यहाँ गया। उसी प्रकार से देखिए इसमें कर देंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको देखना और समझना है कि हो क्या रहा है कि फिगर हम लोगों का चल रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आया तो इस देखिए यहाँ पर और खाली वाला भाग आगे बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए ई फिगर काला वाला भाग कहाँ पर जाएगा, इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर बना के भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको गुमराह कर देंगे कि आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। ये देखिए
यहाँ पर ऐसे कर देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से कर देंगे और एक यहाँ से कर देंगे। ये देखिए तो किस जगह काला वाला भाग हो जाएगा अभी आपको बताते हैं, यानी कि काला वाला भाग इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का काला वाला भाग इस जगह, तो इस जगह आ जाएगा काला वाला भाग। हाँ, इस जगह खाली होगा, फिर काला वाला भाग इस जगह। तो इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन नंबर आप दूसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों, सही। ये तो हो ही नहीं सकता, ये कहाँ कर दिया, ये तो ऐसे ही छटा जाता ऑप्शन, और इस प्रश्न का आंसर आप निकाल सकते थे। ज्यादा इसमें दिमाग लगाना भी नहीं था, आपको सिर्फ सोचना था कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। बस देखिए काला वाला भाग क्या रहा है कि बढ़ते जा रहा है, घड़ी की दिशा में क्या हो रहा है दोस्तों, काला वाला भाग बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, यानी क्रमवार श्रृंखला है दोस्तों, क्रमवार श्रृंखला, ये जो डैश 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 क्या भरेंगे, यही बात आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न आप कई बार देखे होंगे, तो आपको बताते हैं, जैसे डैश उसके बाद ए बी डैश उसके बाद ए डैश उसके बाद बी ए उसके बाद लिखा है डबल बी डैश उसके बाद लिखा है डबल बी ए उसके बाद लिखा है डबल बी डैश। तो देखते हैं इसमें आखिर कितना हम लोगों का लेटर और डैश है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 है, तो 17 को आप कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर हम लोगों का कितना हो जा रहा है दोस्तों, 17 को हो जा रहा है, तो आखिर हम लोग 17 को कैसे तोड़ेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर ऐसे ही 17 को तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों कि 3 को यहाँ पर कर लेते हैं, 3 को यहाँ पर कर लेते हैं, उसी प्रकार से 3 को यहाँ पर कर लेते हैं, 3 को यहाँ पर कर लेते हैं, 3 को यहाँ पर कर लेते हैं, और सीरीज बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बनता है कि नहीं बनता है, तो जरूर बनेगा। इस जगह पर क्या भर देंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भर देते हैं बी और ए और बी, उसी प्रकार से बी ए बी, उसी प्रकार से बी ए बी यहाँ पर कर देते हैं, बी ए बी, और इस जगह पर भी हम लोग कर देते हैं ए कर देते हैं। इस तरीके से करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर बी बी और बी, उसके बाद यहाँ पर ए और ए है, तो देखिए ट्रिपल बार हम लोगों का बी आना चाहिए और डबल बार ए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ट्रिपल बार बी और डबल बार ए इसी में आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अगर 17 आए तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ग देखते हैं, और क्या देखते हैं दोस्तों, घन देखते हैं। अगर ये नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या देखना होता है। फिर उसके बाद क्या देखना होता है दोस्तों, सम, और क्या देखना होता है, विषम देखना होता है। उसके बाद अंकों पर आधारित क्या देखना होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, उसके बाद हम लोगों के सामने 5वां रूल, विभाजकता का नियम। इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं। यहां पर देखिए कैसे हुआ इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए यहाँ पर अगर करेंगे दोस्तों कि 40 में क्या किया है, उसने 6 से गुना कर दिया, ये देखिए इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 6 से गुना कर दिया, उसके बाद इसमें क्या किया है, उसने 6 से गुना कर दिया, लेकिन इसमें देखिए किया है उसमें 3 से गुना कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के टुकड़ों से बनाया जा सकता है। इस सब टुकड़ा को मिला लीजिए, ई फिगर बनेगा, ई फिगर बनेगा, ई फिगर कौन सा बनेगा दोस्तों, आपको बताना है। तो आपको बताते हैं, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने पहले क्या है दोस्तों, एक वर्ग है, तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं कि एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद इस तरह इसमें तो नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इस तरीके से करेंगे तो इसमें देख लेते हैं, इस पे एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लग रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर वर्ग बना है, वर्ग के बाद हम लोगों का ऊपर में एक आयत है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर एक आयत बन जाएगा, ऊपर में क्या दिख रहा है हम लोगों का, आयत तो हो जाएगा। ये देखिए ना यहाँ से इस तरीके से एक आयत बन जाएगा, उसी प्रकार से देखिए दो को त्रिभुज इस तरीके से त्रिकोणा टाइप में है, और एक ये वाला, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे करा कि कौन सा टुकड़ा से बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही होगा। बाकी देखिए ये वाला एक आकृति इस तरीके से करके यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे सारा टुकड़ा मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। तो देखिए इस फिगर को जब देखेंगे तो कौन सा होगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस फिगर को देखेंगे तो कहीं नजर हम लोगों का आ पाएगा क्या, इस तरीके से देखेंगे तो इधर तो कहीं नजर नहीं आएगा। इसमें अगर देखेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ से इसमें देख रहे हैं इस तरीके से हुआ है और यहाँ पर इस तरह, लेकिन इसमें देखिए त्रिभुज हम लोगों का किधर से कर दिया, त्रिभुज का देखिए उल्टा साइड से होना चाहिए, यहाँ पर त्रिभुज क्या ई भी नहीं हो पाएगा, इसमें जो देख रहे हैं ई भी नहीं होगा। तो ई देखिए यहाँ पर दिखाते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। कैसे होगा, इधर के यहां से आकृति को घुमा कर दिया था, इस प्रश्न को क्या कर दिया था, थोड़ा घुमा कर दिया इधर के यहां से, और उसी प्रकार से देखिए इधर से जाएगा और इधर के इसी तरीके से यहां पर और इस तरीके से। तो देखिए हूबहू खाली उल्टा करके दिया है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा ही क्या दिया था एजेंसी के द्वारा, और तीसरा ही क्या होगा दोस्तों सही होगा, दूसरा वाला त्रिभुज थोड़ा उधर हो जा रहा था इसलिए नहीं हो पाया, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि इसका आंसर ये होगा वो होगा, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सा आंसर होगा, बस तरीका को देखिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों सही होगा। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रख रहे हैं दोस्तों, आप जरूर कॉमेंट करेंगे कि आखिर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा। हटाइए हम बता ही देते हैं, देखिए करा कि रेट के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके लिए कोड पूछा जा रहा है तो क्या होगा, तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, पीछे से ही चेक करते हैं, यहाँ से पीछे जिधर से उधर से तीर का निशान जिधर से आ रहा है उधर से कीजिए। तो जैसे ये देखिए 6 और 7 उठाइए, तो 6 और 7 कहाँ है, 6 जल्दी से देखिए यहाँ पर है 6 और इधर से है दोस्तों 7, तो 6 और 7 में क्या आ रहा है हम लोगों के सामने, ई आ रहा था आखिरी में ई, ठीक है। उसी प्रकार से 9 और 8 लीजिए, तो कहाँ मिल रहा है 9 और 8, ये देखिए यहाँ पे लेंगे दोस्तों 9 और इधर से लेंगे 8, तो 9 और 8 आखिरी में क्या आया दोस्तों हम लोगों का टी आया, ई मतलब टी आया दूसरा, इधर से देखिए ना 8 लिए हैं तो इधर से 9 लिए तो नहीं आ रहा है टी, ये देखिए ई के बाद हम आखिरी से चेक करें, अरे रेट में जो आखिरी है ई तो पहले तो ई आ ही गया, वहां कैसे नहीं आप देख पा रहे कि यहां से देखिए 6 और 7 के बीच में ई नहीं आ रहा है, उसी प्रकार से 8 और 9 के बीच देखिए आ रहा है, उसके बाद 1 और 2 के बीच देखिए तो 1 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर 1 है और 2 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, तो ए आ गया। उसी प्रकार से हम लोग 1 और 3 को लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है दोस्तों इधर 3 है तो आर आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे किए वो तरीका बता चुके हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा दोस्तों सही, पीछे से चेक करते हैं, जैसे ई आर ए टी ई जो लिखा है इसको पीछे से चेक कीजिए, किधर से देखिए तीर जिधर से ले जा रहे हैं तो ई को देखना है, 6 और 7 लेना है तो 6 पहले कहाँ लेंगे, तो इस लाइन में लेंगे, ऊपर वाला लाइन में कभी 6 नहीं लेंगे, जो मतलब ई देखिए ई जो 6 और 7 लिखा रहता है दोस्तों 6 पहले हम लोगों को देखना होता है इस लाइन में, ई लाइन और ई लाइन में, तो ई लाइन में नहीं मिला यहाँ मिला दूसरा वाला अवयव में, तो इस तरीके से आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।